गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवार की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समेशन विश्लेषण में यूनिट नंबर फर्स्ट एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट या सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हमने किए थे, उनके आने के चांस 90% रहते हैं। आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वो आज कंप्लीट करेंगे, उसके साथ ही शेड्यूल को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखो जो एग्जाम्पल्स हम करते थे वो एग्जाम्पल्स हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने विश्लेषिक फलन बताया था और कोशी मान संतुष्ट किया था। इस क्लास में हम एग्जाम्पल करेंगे उसको दूसरे रूप में ये चीजें प्रूव करेंगे। आर और थीटा में देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्या दिया है कि एफ जेड इक्वल टू दिया गया मुझे जेड की पावर एन। एफ जेड इक्वल टू क्या दिया गया है, जेड की पावर एन इंप्लाइज दैट एन इक्वल टू आई प्लस एफ जेड इक्वल टू क्या देखते हैं जेड की पावर एन। एन जो है ना वो इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर पावर नेगेटिव नहीं है, मतलब देखो एफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई की पावर एन यही है। इसका मतलब एफ जेड इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू क्या देगा आर cos थीटा आईटा साइन थीटा की पावर एन। मैंने इसको लिख लिया उसमें किसमें दूरी रूप में, जब एक्स की जगह r cos थीटा आईटा वाई की जगह r साइन थीटा r कॉमन ले लिया तो f z इक्वल टू क्या देगा r की पावर एन cos थीटा प्लस आईटा साइन थीटा की पावर एन। एफ जेड इक्वल टू ये तुमने पढ़ रखा है आर की पावर एन की पावर में कितना ही अंदर आ गया कोस एन थीटा आईटा साइन एन थीटा हो जाता है। इसको सॉल्व करोगे चाहे इसको सॉल्व करोगे एक ही चीज आएगी। आगे आते समझ में, अब हम जानते हैं कि एफ जेड इक्वल टू का यू प्लस आईटा वी, इसका मतलब यू प्लस आईटा वी इक्वल टू क्या आर की पावर एन कोस थीटा कोस एन थीटा प्लस आईटा साइन एन थीटा का वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू हो जाएगा आर की पावर एन कोस एन थीटा, बी इक्वल टू हो जाएगा आर की पावर एन साइन एन थीटा। आया दोस्तों में यू इक्वल टू हो जाएगा आर की पावर एन कोस एन थीटा और b इक्वल टू हो जाएगा r की पावर n sin n थीटा। समझ में ये चीज क्या किया जरूर दोबारा, f z इक्वल टू z की पावर n, z को लिखिए x प्लस आईटा वाई की पावर n, x को लिखिए r cos थीटा प्लस आईटा वाई को लिखिए r sin थीटा, r की पावर n cos थीटा प्लस आईटा sin थीटा की पावर n, ये n अंदर आ गया, r की पावर n cos n थीटा प्लस आईटा sin n थीटा अलग अलग कर लिया, u प्लस आइटम v की इक्वल में रख दिया, कंपेयर किया तो काल्पनिक भाग u v इक्वल टू r की पावर n cos n थीटा v इक्वल टू r की पावर n sin n थीटा। आगे चीज समझ में यहां तक, आगे देखो अब हम निकालेंगे कोशी रीमान समीकरण के लिए डेल अपॉन में
डेल्टा कोण में डेल्टा आर में जानना दूरी रूप में चेक करेंगे कोसाइन मान डेल्टा कोण डेल्टा एन आर की पावर एन माइनस वन कोस टेन थीटा डेल्टा कोण में टेन थीटा आर की पावर एन कोस एन थीटा का साइन एन थीटा माइनस का एन थीटा का एन को मल्टीप्लाई किएगा ऐसे निकालेंगे डेल्टा कोण भी डेल्टा कोण में डेल्टा इसका एन आर की पावर एन माइनस वन साइन एन थीटा और डेल्टा कोण में डेल्टा क्या आएगा माइनस प्लस ये आएगा एन आर की पावर एन साइन थीटा कोस एन थीटा आगे अच्छा स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि देखो डेल्टा कोण डेल्टा इक्वल आ रहा है किसके कोसाइन थीटा कोसाइन थीटा इसके डेल्टा कोण डेल्टा इक्वल है वन अपॉन आर डेल बी अपॉन में डेल थीटा की देखो वन अपॉन आर करोगे इसकी तो आर ऊपर जाएगी माइनस ऊपर जाएगी पावर सेम आ गया एक ही कोसाइन मान की पहली कंडीशन दूसरी थी वन अपॉन में आर डेल अपॉन डेल थीटा इक्वल हो जाएगी माइनस डेल अपॉन में डेल आर आगे देखो इसको वन अपॉन आर करूंगा तो एन आर पर एन माइनस वन साइन एन थीटा इधर ये माइनस इधर शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस एन आर पर एन माइनस वन साइन एन थीटा ये हो गया तो लिख देंगे अपने स्पष्ट है कि एफ जे कोसी निमान एफ जे कोसी निमान समीकरण को स्पष्ट है कि एफ जे कोसी निमान समीकरण को संतुष्ट करता है स्पष्ट है कि एफ जेड कोसी निमान समीकरण को संतुष्ट करता है यहां क्या आ गया अतः फलन एफ जेड एफ जेड विश्लेषिक है वो जो कंडीशन होती है सिर्फ मूल बिंदु पर होती है और हर बिंदु पर यदि कोसी निमान समीकरण संतुष्ट है तो वो फलन भी क्या हो जाएगा विश्लेषिक हो जाएगा क्या हो जाएगा विश्लेषिक आ गया तो देखो इधर आगे तो क्या होगा देखो एफ जेड इक्वल टू आर की पावर एन इसको देखो इसको आर की पावर एन कोस एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए की पावर आयटा एन थीटा आए ना लिख सकता हूँ आगे देखो एफ जेड इक्वल टू एफ जेड जेड निकाल दो मतलब इसका अवकलन पॉइंट निकालो विश्लेषिक है ना तो इसका अवकलनीय पॉइंट निकालो एफ जेड इक्वल टू आर की पावर ई की पावर माइनस आयटा एन थीटा एफ डैश जेड इक्वल टू आर की पावर वन और ये हो जाएगा ई की पावर आयटा थीटा माइनस का और डेल अपॉन में डेल आर वैल्यू ठीक है देखो इधर ये एफ डे जेड निकाल रहा हूं मैं ना देखो एफ डे जेड इक्वल टू ई की पावर माइनस आई डे थीटा
डेल अपॉन में डेल आर एफ की वैल्यू ये आर की पावर एम टी की पावर आई टाइम थीटा। देखो एफ डैश जेड इक्वल टू ठीक है एफ डैश जेड इक्वल टू ये उस फॉर्मूले से बनती चीज एफ डैश जेड इक्वल टू एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन में जेड ये वहां से बनाई है ठीक है ना अवकलनीय तल डेफिनेशन से ए की पावर माइनस आईटा थीटा ए की पावर आईटा एन थीटा ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आर की वैल्यू का एन आर की पावर एन माइनस वन आगे क्वेश्चन में आगे देखो n r की पावर n माइनस 1 ये सॉल्व वैल्यू का जाएगा e की पावर i का थीटा माइनस का प्लस i का n थीटा इसका मतलब f डे z इक्वल टू n r की पावर n माइनस 1 e की पावर i का कॉमन आ जाएगा थीटा कॉमन आ जाएगा n माइनस 1 इसका मतलब आ गया एफ डैश जेड इक्वल टू एन और आर ई की पावर आई का थीटा की पावर एन माइनस वन और आर ई की पावर आई का थीटा आर ई की पावर आई का थीटा क्या हो जाएगा एन की जेड की वैल्यू देगी जेड की पावर एन माइनस वन ये आ गया ठीक है अरे ये आर का एड्रेस आई है ये क्या हो गया आर ई की पावर आई का ये तो होता है इसकी वैल्यू पावर एन माइनस वन है ये तो जेड हो गया जेड है ये जेड जेड आ गया और जेड की पावर एन माइनस वन तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया जेड की फॉर्म में क्या किया जाए वो बात समझो एफ जेड ये देखता था इस जेड की जगह इसमें से आइटा वाले रख दिया जेड की जगह रख दिया एक्सप्रेस आइटा वाले की पावर एन x की जगह r cos थीटा प्लस y की जगह आइटा r sin थीटा r कॉमन आ रहा कॉमन पावर है r की पावर n और n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी पावर में चल जाती है r की पावर n cos n थीटा प्लस आइटा sin n थीटा हम जानते हैं कि f z इक्वल टू होता है u प्लस आइटा v u प्लस आइटा v इक्वल टू r की पावर n cos n थीटा प्लस आइटा sin n थीटा काल्पनिक वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर u इक्वल टू r की पावर n cos n थीटा v इक्वल टू r की पावर n sin n थीटा डेल अपॉन डेल r निकाला डेल अपॉन डेल थीटा निकाल लिया डेल अपॉन डेल r निकाला डेल अपॉन डेल थीटा cos n मान को संतुष्ट करेंगे cos n मान को बोल दो इनमें रख के देखो चाहे इक्वल आएगी cos n मान को संतुष्ट कर दे इसका मतलब फलन एफ जेड कोसी मान समीकरण को संतुष्ट करता है अतः फलन एफ जेड क्या है जैसी के अब एफ जेड जैसी के तो मुझे वापस को जेड की फॉर्म में निकालना है क्या ये विश्लेषिक है विश्लेषिक है जिसका मतलब अवकलनीय है क्या है अवकलनीय तो मुझे इसको अवकलनीय की वैल्यू निकालनी है यानी एफ जेड जेड की वैल्यू और वो भी किसकी फॉर्म में फंक्शन किसकी फॉर्म में जेड की फॉर्म में तो जेड की फॉर्म में निकालनी है ये चीज याद रखनी है देखो f z इक्वल टू r की पावर n e की पावर आइटा n थीटा यहां से r की पावर n e की पावर आइटा थीटा होता है n थीटा के यहां तक f z z निकालूंगा यहां से f z n z की पावर n e की पावर आइटा माइनस आइटा थीटा डेल अपॉन डेल r ये ठीक है f z z इक्वल टू e की पावर माइनस आइटा थीटा डेल अपॉन डेल r एफ की वैल्यू ये रख दी ई की पावर माइनस आइटा थीटा ई की पावर आइटा एन थीटा कांस्टेंट बाहर आ गया डेल अपॉन डेल आर आर की पावर एन को तो एन आर की पावर एन माइनस वन हो गया आ गया तो समझ में देखो ई की पावर एन आर की पावर एन माइनस वन अलग
ई की पावर माइनस आइटा थीटा प्लस आइटा एन थीटा, एन आर की पावर एन माइनस वन बाहर आ गया, ई की पावर आइटा थीटा कॉमन ले लिया तो एन माइनस वन बच गया, एन बाहर आर ई की पावर आइटा थीटा की होल पावर एन माइनस वन, आर ई की पावर आइटा थीटा क्या होता है जेड, ये जेड यानी कि पूरी वैल्यू जेड पावर में एन माइनस वन। देखो इसका ओपनली जो है वो मैंने किस फॉर्म में ला दिया, जेड की फॉर्म में ला दिया। आज हमने ये हो गया एग्जांपल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। आज की इस यूनिट की लास्ट एग्जांपल में चलते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट, चलो आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल वो लास्ट एग्जांपल की सुन ले। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, देख लेना है ना इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, ये भी एफ टेन जेड का मोड एक्स के फलन तथा वाई के फलन दोनों की गुणा हो तो सिद्ध कीजिए कि पावर में एक्सपेंशन ऑफ अल्फा जेड स्क्वायर प्लस बीटा जेड प्लस गामा, जहां अल्फा वास्तविक तथा बीटा और गामा सामिश्र अचर है। क्या बोल रहे हैं देखो, यदि एफ डे जेड एक्स के फलन, कोई भी फलन मान लीजिए इसका, वाई के फलन दोनों के गुणा हो तो सिद्ध कीजिए कि एफ डे जेड इक्वल होगा एक्सपेंशन ऑफ अल्फा जेड स्क्वायर बीटा जेड गामा जेड, जहां अल्फा वास्तविक और बीटा और गामा सामिश्र यानी कॉम्प्लेक्स अचर है, कॉन्स्टेंट है। क्या है? कॉन्स्टेंट है। देखो सब लोग देखो सॉल्यूशन, माना मोड एवरेज जेड इक्वल टू फाइव एक्स और साइन वाई। देखो जो बोला हुआ कर लिया, एफ डे जेड को मैंने एक्स का फलन वाई का फलन दोनों को गुणा, ये रहा एक्स का फलन के वाई के, इन दोनों को गुणा के कल मान लिया, मान लिया। और हम जानते हैं कि ये हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था थ्योरम क्वेश्चन में, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर
log mod adjacent dash equal to हमारे पास आएगा 0। याद आ रहा है कुछ, हमने प्रूव किया था ये रिजल्ट एक क्वेश्चन के अंदर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर log f dash z equal to 0। याद है? अच्छा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर log इस f dash z के लिए क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू पाई एक्स साई वाई इक्वल टू जीरो आ गया था समझ में। इसको अलग अलग करके ऊपर देखो, डेल अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इसको क्या होगा लोग पाई एक्स और लोग साइन वाई इक्वल टू जीरो हो गया। ये हो गया log phi x प्लस log sin y। आ गया समझ में? आ गया। अलग अलग कर्व को देखो, क्या करूंगा x वाले के साथ x वाला y के साथ करूंगा जीरो, इसका इसके साथ करूंगा x वाले के साथ जीरो, लिखने का मतलब ही नहीं है। ये इसके साथ डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर log phi x प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर log साइन वाई इक्वल टू जीरो। आगे सुनिए, अब मैं क्या करूंगा इसको बदल लूंगा, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर लोग फाइन एक्स इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर लोग साइन वाई इक्वल टू, मैंने मान लिया कॉन्स्टेंट। क्यों मान लिया कॉन्स्टेंट? उसे बोला है कि अचल वो है कॉन्स्टेंट, मैंने इसको मान लिया कॉन्स्टेंट माना। आगे समझे, देखो अब अलग अलग कॉन्स्टेंट मान लेंगे, इसको मान लूंगा यहाँ चले हो यहाँ 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 डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लोग फाइव एक्स इक्वल टू मान लिया सी वन और डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर लोग साई वाई मान लिया इक्वल टू माइनस सी माना। आगे चलते हैं, याद है आगे चलते हैं। आगे देखो अभी का आकलन करते जाएंगे अपन समाकलन, ठीक है? देखो समाकलन का इनपुट क्या हो जाएगा इसका, डेल अपॉन में डेल एक्स लोग फाई एक्स, फिर वापस करेंगे लोग फाई एक्स इक्वल टू इधर होता जाएगा। देखो पहले ले डेल अपॉन में डेल एक्स लोग फाई एक्स, इसका एक बार किया सी वन एक्स समाकलन कर रहा हूं सी वन एक्स प्लस डी, इसको सी रेड में यहां पे सी वन रखते हैं ना, ये इक्वल में सी है दोनों को सी रेड में आ गया, ये माइनस सी लेके माइनस हो जाते हैं। फिर दोबारा करूंगा वो डेल इधर तो रह जाएगा ये भी हट जाएगा, इधर रहेगा लोग पाई एक्स, इधर रहेगा सी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू डी एक्स प्लस टी। आगे समझे, ये डी वन एक्स और ई वन ऐसे स्क्वायर बनवा, इसका मतलब क्या हो जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई लोग साइन एक्स साई वाई इक्वल टू माइनस सी वाई प्लस डी टू, फिर दोबारा करूंगा डेल अपॉन डेल वाई जाएगा लोग साई वाई और इसका समाकलन करूंगा तो ये तो पूरा कैंसिल समाकलन से ये तो बचेगा इक्वल में क्या जाएगा माइनस सी वाई स्क्वायर अपॉन टू
डी टू वाई प्लस ई टू आगे सुनने ये यहां पर आया सुनने आप देखो समीकरण एक से यहां से एक चीज और कर सकते हो ये वाली वैल्यू है ना इससे तुम फाइव एक्स की वैल्यू निकालो क्या आएगी देखो फाइव एक्स की वैल्यू ये जो लो कट जाएगा तो एक ही पावर में चला जाएगा क्या आ जाएगा एक ही पावर में सी बाई टू एक्स स्क्वायर डी वन एक्स इवन और यहां से साइन वाई की वैल्यू निकालो एक ही पावर माइनस सी वाई टू अपॉन टू प्लस डी टू वाई प्लस ई टू आ गया सॉल्व कर दो अब लिखो अतः समीकरण एक से अतः समीकरण एक से अतः समीकरण एक से क्या हो जाएगा देखो इसमें देखो मोड इसकी वैल्यू तो निकाली थी मेरे को ये फंक्शन माने थे हमने इसकी वैल्यू आ गई है ये आ गई यहाँ पे मोड एफ डेट जेड इक्वल टू फाइव एक्स साइन वाई इसकी वैल्यू आ गई है क्या आएगी इसकी पावर में सी बाय टू एक्स स्क्वायर डी वन एक्स इवन डॉट ई की पावर माइनस सी वाई टू अपॉन में टू डी टू वाई प्लस ई टू आ गया और मुझे ये एफ डेट जेड को इस फॉर्म में दिखाना है इस फॉर्म में दिखाना है तो इसकी इक्वल में लिख लूंगा ये यानी कि देखो समझो मोड एफ डेट जेड इक्वल टू ई की पावर देखो माइनस सी बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का या माइनस और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा डी वन एक्स डी टू वाई प्लस ई टू इवन ई टू ये है ना एफ डेट जेड इक्वल टू आएगा आगे यहां पे किसका स्क्रीन शॉट लो फिर आगे बताता हूं देखो एक तो एफ जेड भी लिख लिया आगे एक अब हम इससे निकालेंगे इसमें अल्फा तो वास्तविक है बीटा और गामा काल्पनिक है अपनी मर्जी से मानेंगे ये आगे सुन में देखो क्या माना माना एफ डेट जेड इक्वल टू फाइव एक्स साइन वाई क्योंकि उसने बोला है कि वो एक्स और वाई का फंक्शन नहीं है इसको हमने यूज कर लिया लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इसकी जगह वैल्यू रख दी यहाँ पे लोग यू इंटू एम इंटू एन लोग एम प्लस लोग एन होता है इसके साथ लिख दिया पहले तो इसका एक्स वाले को इसके साथ वाई वाले को क्योंकि इसका वाई के साथ करो जीरो इसका एक्स के साथ करो जीरो कर लिया ये फिर इसको ये आ गया और इसको उधर लेकर तो माइनस का हो गया इसको कोई कॉन्स्टेंट सी मान लिया मैंने इसका एक बार समाकलन किया दो बार समाकलन किया तो ये आ गया फाइव एक्स की वैल्यू एक ही पावर में चला गया तो फाइव एक्स की वैल्यू आ गई ऐसे इसका भी दो बार समाकलन किया साइन वाई की वैल्यू ये आ गया हमारे पास इसका मतलब मोड एफ जेड यस इसको हमने माना था उनकी दो वैल्यू आ गई है रख लिया तो समीकरण बन गया दो मतलब ये वाली चीज जो मानी थी वो तो हमारे पास आ गई अब दूसरी वाली कंडीशन मानेगी ये वाली
इसमें अल्फा बीटा गामा ही मानेंगे, ठीक है। फिर प्रूफ करेंगे, सिद्ध करना है कि ये इसके इक्वल है। स्क्रीन शॉट लो इसका, फिर चलते देखो आगे। ले लिया, देखो आगे देखो। अब ये देख क्या मुझे क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट डेसी दिया हुआ है, तो उसके लिए ये रखूंगा ई की पावर अल्फा जेड स्क्वायर बीटा जेड प्लस गामा इक्वल टू अल्फा है क्या वास्तविक, तो अल्फा को वास्तविक लेना है ई की पावर में, ई की पावर में अल्फा, अल्फा वास्तविक है तो अल्फा वास्तविक, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वायर, बीटा काल्पनिक लेना है, काल्पनिक लूंगा तो क्या ले लूंगा मैं पी प्लस आइटा क्यू, और जेड भी है तो एक्स प्लस आइटा वाई, और प्लस गामा भी काल्पनिक लेना है तो ले लूंगा आर प्लस आइटा एस। देखो अल्फा क्या था वास्तविक, तो अल्फा कैसे ले लिया, जेड की वैल्यू ये रहेगी स्क्वायर, बीटा के लिए काल्पनिक बोला उसने, बीटा के पी प्लस आइटा क्यू मान लिया, जेड के गामा की वैल्यू काल्पनिक तो आर प्लस आइटा एस मान लिया उसको। आगे तो ये इसको सॉल्व करेंगे, देखो इक्वल इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ई की पावर में, खुद को सॉल्व करना है तुम्हारे को, देखो क्या आएगा, इधर तो ये चल रहा है ई की पावर में अल्फा जेड स्क्वायर बीटा जेड गामा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ई की पावर में अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू वाई प्लस आर, ये समीकरण तीन, ये समीकरण तीन आ गया, ये समीकरण दो आ गया, इसकी वैल्यू भी यही है और इसकी वैल्यू भी यही है, कंपेयर कर लीजिए इनको, ठीक है। देखो समीकरण दो व तीन की तुलना करने पर, समीकरण दो व तीन की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये चीज इसको देखो गौर करके, ई अल्फा सी बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी एक्स डी वन एक्स माइनस टू डी टू वाई आर या आर फंक्शन, यानी ये चीज और ये चीज क्या है सेम है या नहीं, इसका मतलब ये चीज और ये चीज भी क्या होगी इक्वल होगी, इसका मतलब एफ डी जेड इक्वल टू क्या आ गया ई की पावर अल्फा जेड स्क्वायर बीटा जेड प्लस गामा, ये लाना था प्रूफ, एंड प्रूफ नहीं आया समझ में, दोबारा देखो यहां पर आई गया समझ में। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सिद्ध करना है कि एफ डी जेड इक्वल होगा ये, ठीक है। मैंने इस पार्ट को ले लिया, यहां पे अल्फा वास्तविक है ऐसे रहने दिया, जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई स्क्वायर प्लस बीटा काल्पनिक है, इसका मतलब बीटा की जगह लिया पी प्लस आइटा क्यू, जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई प्लस गामा काल्पनिक है तो आर प्लस आइटा एस, इसको सॉल्व तुम्हें खुद को करना है, ऐसा आ जाएगा। इसको इसको कंपेयर करो, देखो ई अल्फा अल्फा जो सी बाई टू दिस प्लस पी डी वन पी एक्स डी टू माइनस क्यू वाई और ई वन प्लस ई टू आर, ये और ये चीज सेम है, इसका ये और ये चीज भी क्या होगी तुलना करने पे सेम, ये आ गया, आ गया समझ में, ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फिर देखो आगे चलते हैं, आगे का जल्दी हो गया मेरी टॉपिक में, ले लिया स्क्रीन शॉट, ठीक है। इसके साथ ही तुम्हारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर नंबर सेकंड की यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, 99% चांस इनमें से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इनको बार बार प्रैक्टिस करो,
एक दो क्वेश्चन अपनी तरफ से करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई चरम से प्रैक्टिस करना चाहो आगे के लिए तो अच्छी बात है वो, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।